हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट वन, द डेली डोज ऑफ बी टाउन, एक ऐसा शो जिसकी नजर होगी सितारों की हर खबर पर, एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर. सो ज़िप अप एंड स्टे पुट, द शो इज अबाउट टू बिगिन. लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस. रणवीर रणबीर की सीक्रेट मुलाकात. तनु विद मनु रिटर्न्स में कम फीस को लेकर कंगना ने साधा डायरेक्टर पर निशाना. दीपिका की गैर मौजूदगी का रणबीर ने उठाया फायदा. प्रियंका की मां ने छोड़ी पिगी चॉप्स की शादी की आस. आलिया को नहीं है रणबीर में दिलचस्पी. अनुष्का ने खोया सलमान के साथ काम करने का मौका. सनी लियोनी का बड़ा धमाका. प्रेम रतन धन पायो की शूट में ली जा रही है सलमान के बॉडी डबल की मदद. सुना आपने क्या कह रहे हैं रणवीर सिंह? किसी रात के अंधेरे में दबे पांव चोरी चोरी हाय कहने गए थे रणवीर सिंह. रणवीर ने भले ही लाख कोशिश की हो इस मुलाकात को सीक्रेट रखने की, पर जूम के कैमरे से कुछ नहीं छुप सकता. आज हम आपको बताएंगे कि रात के सन्नाटे में किससे मिलने गए थे रणवीर सिंह. रणवीर गए थे रणबीर कपूर से मिलने. दरअसल रणवीर फिल्म सिटी में कर रहे थे एक एड शूट, और जैसे ही उन्हें पता चला कि रणबीर भी कर रहे हैं पास में ही शूट, तो बस निकल पड़े रणबीर रणबीर से मिलने. जूम ने किया रणबीर का पीछा. इन विजुअल्स में हालांकि रणबीर तो नजर नहीं आ रहे हैं, पर रणबीर सिंह रणबीर से बात करते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं. इस मुलाकात के बाद जब रणबीर बाहर निकले तो जूम ने उनसे पूछा इस मुलाकात का सीक्रेट. जूम के सवाल को देखे कैसे अनसुना कर रहे हैं रणबीर. यू जस्ट मेट रणबीर कपूर, पर हम भी कहां पीछे रहने वाले थे. आखिर हमने रणबीर से उगलवा ही लिया कि वो रणबीर कपूर से क्यों मिलने गए थे. रणबीर भले ही जस्ट हाय करने की बात कर रहे हैं, पर इस हाय के पीछे कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है. फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई. प्रियंका चोपड़ा के फैंस और मीडिया अक्सर उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका 12 साल की उम्र से शादी के सवाल को फेस कर रही हैं? मेरे लिए तो जब मैं 12 साल की थी तब से प्रेशर था कि कैसे लड़के से शादी करूंगी, किससे शादी करूंगी, क्या शादी करूंगी. बट अभी मैं तो इतनी आधी हो गई हूँ उस प्रेशर को लेकर कि जब मुझसे कोई पूछता है, मेरी नानी रोज पूछती है मुझसे, कोई भी लड़का मिल जाए तो बोलेंगे क्या करता है, इसकी शादी हो गई कि नहीं. I'm just like, stop it. Well, recently हमने प्रियंका की मॉम से भी जानना चाहा कि being a mother, वो प्रियंका की शादी को लेकर कितनी है worried. Not anymore. लगता है समय के साथ प्रियंका की मॉम ने भी पीसी से इस बारे में सवाल करना छोड़ दिया है. For रुद्रानी चटुराज, Zoom, Mumbai. लगता है आलिया भट्ट के शौक आए दिन बदलते रहते हैं. कुछ समय पहले भट्ट गर्ल ने कबूल किया था कि उन्हें है रणबीर कपूर पर क्रश, पर अब अपने इस बयान से मुकर रही हैं ये बॉलीवुड की स्टूडेंट. आई डू नॉट हैव अ क्रश ऑन रणबीर कपूर. आई डू नॉट हैव अ क्रश ऑन रणबीर कपूर. अब जब ये हाईवे गर्ल हमारे सवालों के जाल में फंस गई, तो कवर अप करने के लिए रणबीर पर अपने क्रश को देने लगी एक अलग ही डेफिनेशन. इट इज जस्ट अ स्टूपिड एक्टर फैन थिंग. इसमें और कोई I think weightage नहीं है. आलिया के इन बदलते स्टेटमेंट्स ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में रिश्तों की कितनी और क्या अहमियत है. चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. रणवीर सिंह ने किया कटरीना कैफ को हग, वो भी रणबीर कपूर की आंखों के सामने. देखते रह गए रणबीर कपूर. ये वाकई हुआ अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी के दौरान. पार्टी के बाद जब कटरीना जाने लगी घर, तो उन्हें गाड़ी में बिठाने आए रणवीर सिंह. न सिर्फ कार में बिठाया बल्कि गले भी मिले. रणबीर कटरीना गले मिल रहे थे, तो रणबीर के पास उन्हें देखने के अलावा नहीं था कोई चारा. कटरीना से गले मिलने के बाद रणबीर रणबीर से मिले गले. कटरीना रणबीर और रणबीर की इस बॉन्डिंग में नजर नहीं आई दीपिका पादुकोण. दरअसल इस बर्थडे पार्टी को स्किप किया दीपिका पादुकोण ने, और लगता है उसी का फायदा उठाया रणवीर सिंह ने. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. सलमान के ऑपोजिट काम करने का गोल्डन चांस शायद अनुष्का शर्मा को नहीं मिल पाएगा.
सोर्सेज के मुताबिक फिल्म सुल्तान के मेकर्स अनुष्का को सलमान के साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये बड़ा ऑफर अनुष्का के हाथों से निकल गया है, जिसका कारण है अनुष्का की डेट्स। खबरों की माने तो जो डेट्स अनुष्का ने फिल्म सुल्तान के लिए प्लान की थी वो डेट्स करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल से क्लैश कर रही है। यही कारण है अनुष्का चाह कर भी सुल्तान में नजर नहीं आ पाएंगी। इट इज ऑल्सो बींग रिपोर्टेड दैट अनुष्का के बाद अब वाणी कपूर और कृति सनन का नाम इस फिल्म के लिए आगे आ रहा है। वेल, सलमान के साथ काम करने का मौका किस एक्ट्रेस को मिल पाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सनी लियोनी का बड़ा धमाका, अब सनी लियोनी भी शामिल हो गई हैं A-लिस्टर एक्टर्स की लिस्ट में, क्योंकि अब ये एक्ट्रेस दिखेगी एक A-लिस्टर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए, और वो कोई और नहीं है बल्कि है हमारे वेरी ओन खिलाड़ी कुमार। यस, यू हर्ड इट राइट, सनी लियोनी सिंह इस ब्लिंग में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। बता दें कि इस फिल्म में सनी की एक स्पेशल एंट्री रखी गई है, एज शी विल बी डूइंग अ कैमियो, जिसके लिए अपेरेंटली द एक्ट्रेस हैड ऑलरेडी शॉट इन गोवा। वैसे जूम के बूम पर सनी लियोनी ने कन्फेस भी किया था दैट शी वुड लव टू वर्क विद द खान्स। आई वुड लव टू डू लाइक अ टूथपेस्ट कमर्शियल, आई थिंक वुड बी रियली फन। या प्रमोट गुड हाइजीन विद हु? लाइक शाहरुख खान। आई थिंक इट वुड बी आमिर खान। व्हाई? बिकॉज ही इज हॉट। पर खैर, किसी खान के साथ ना सही, पर खिलाड़ी कुमार के साथ ही सनी लियोनी ने एक बड़ी एंट्री मार ली है। क्या पता आगे जाकर सनी लियोनी का खान के साथ काम करने का सपना भी पूरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। ये है सलमान खान और ये भी है सलमान खान। वेल, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये है सलमान खान की बॉडी डबल, जो कि प्रेम रतन धन पायो में दिखेंगे फ्रंट से नहीं बल्कि बैक से। ये तो सभी को पता है कि इस फिल्म में सलमान खान का डबल रोल है, और इसी के चलते लगता है सलमान खान अपने बॉडी डबल का यूज कर रहे हैं। वैसे बॉलीवुड में तो बॉडी डबल का ज्यादातर यूज एक्शन सीन्स के लिए होता है, पर हमारे सल्लू मियां तो अपने शूट के लिए ही इस लुक अलाइक का एडवांटेज ले रहे हैं। वैसे तो खबर ये भी आई है कि सलमान सेट पर सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही होते हैं, बाकी उनके लुक अलाइक उन्हें टेक ओवर कर देते हैं। अब जब एक्टर ही शूट के लिए इतना कम टाइम देगा तो बॉडी डबल की जरूरत तो पड़नी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, you know. It's not justified at all. जी हां, ऐसा कुछ कहना था कंगना रनौत का कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को मिल रही पे के लिए, और हाल ही में कंगना ने इस बात को फिर हाईलाइट किया जब उनसे पूछा गया इफ शी हैज हाइटर फीस फॉर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। तो देखिए कैसे फिल्म के डायरेक्टर आनंद अलराय पर निशाना साधते हुए कंगना ने रख दी अपनी बात। 200 करोड़ बनाए इन्होंने वर्ल्ड वाइड, और मुझे तो एक एक्ट्रेस का पैसे दिए हैं और 2 एक्ट्रेस का काम करवाया है। तो लोकेशन फिल्म सिटी, टाइम 11:30 बजे, जूम के कैमरे में कैप्चर हुए एक्टर रणवीर सिंह। रणवीर फिल्म सिटी में अपने गैट की शूटिंग कर रहे थे, और ठीक रात 12 बजे हमने रणवीर सिंह के सेट के बाहर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की कार को किया स्पॉट। ये एक्ट्रेस रणवीर सिंह से मिलने उनके सेट पर पहुंची थी। कौन है ये एक्ट्रेस जिसने रणवीर सिंह की वैनिटी वैन में जाकर की गुपचुप मुलाकात? इसका खुलासा होगा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, तो देखना ना भूलिएगा आज शाम 7 बजे प्लैनेट बॉलीवुड, ओनली ऑन जूम।